बस बंद कर। हाँ जी, हाँ जी, आओ आओ। सर इन्हों का किचन भी आया। अच्छा, टेंपरेरी सारा। हाँ जी, अब बराबर से छोटा जहा वाशरूम बनाया बाजी, थोड़ी चार पाँच जी। आओ आओ। सर इन्हों का किचन भी आया। अच्छा, टेंपरेरी सारा। हाँ जी, अब बराबर से छोटा जहा वाशरूम बनाया बाजी, थोड़ी चार पाँच साल। सलाम जी। सलाम जी, सलाम। मैंने नहीं है ये चीज़ को, हम जानते हैं। मैं खास तौर पर इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बताने का मकसद ये कि आजकल हमारे पास जो व्हाट्सएप और दूसरी नेटवर्क्स आई हैं उस पर हम हाइलाइट्स कर सकते हैं, क्योंकि एक इत्तफाक कह लें, क्योंकि हमारा कैंप से ताल्लुक़ है हारी कैंप से, और आप हारी कमेटी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और मैं आपदा मैडम से भी दरख्वास्त करूंगा कि क्योंकि आप भी तर्जुमान हैं, तो कुछ चीज़ें इसलिए आपको बताना चाहते हैं। हमारे बराबर में ही मुस्लिम टाउन है, मुस्लिम टाउन के अंदर पानी भी अवेलेबल है, लाइट भी अवेलेबल है, यहाँ तक के यहाँ गैस भी अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पर हमें ताकत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी दिमाग की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 इंच की लाइन आई हुई है, सिर्फ इशू है कि यहाँ पर यहाँ तो पैसा खा चुके हैं, यहाँ आगे नहीं आ सकता टैंकर माफियों की वजह से। यहाँ के सिर्फ ये टुकड़े के अंदर सिर्फ ये निशानदेही इसलिए करवा रहे हैं, ये काम सिर्फ पढ़े लिखे नौजवान कर सकते हैं, यहाँ इसको हाईलाइट करके दे सकते हैं। मुस्लिम टाउन के अंदर पानी आ रहा है, प्रियो कोस सिकंदराबाद में आ रहा है, यहाँ के तीनों एरियो के अंदर पानी है, सिर्फ कैंप के अंदर नहीं है। क्यों ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर पैसा ऑलरेडी मंजूर हो चुका है, तो इसमें आप लोगों की हेल्प ये चाहिए। हम इसलिए आपसे उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते भी हैं कि यहाँ पर सिर्फ कलम की ज़रूरत है और
थोड़ा सा हमें इस तरफ से गौर दिला रहे हैं कि हमें किसी से फंड नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आपके कलम से और हमारे व्हाट्सएप से हमारे दूसरे नेटवर्क से अगर हम इसको हाईलाइट करें तो हो सके हमारे डीसीओ साहब, हमारे दूसरे जिनको अभी तक नहीं पता यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर आया कि यहाँ पर खंभे भी आ चुके हैं मगर यहाँ पर गुम हो गए, या पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है यहाँ से गुम हो चुकी है, ऐसा क्यों? हम तो फिर इसलिए हम अपनी माइनॉरिटी को थोड़ा सा वो चाहते कि हम बोल नहीं सकते, हम भी बोल सकते हैं, हम अपने यंग ब्लड से हम इत्तफाक करते हैं कि हम इसको हाईलाइट करें, हम व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाएं, तंजीमों को बुलाएं कि हमारी वो हेल्प करें किसी तरीके से, क्योंकि हमारी जहाँ पर रसाई नहीं है हम आपके जरिए वहाँ पर अपनी रसाई को मुमकिन बना सकें, हम अपनी यूनिटी को आपके सामने शो कर कर ये पावर दिखाना चाहते हैं, हम सबकी दिली ख्वाहिश है और हम ये सब चाहते हैं कि हमारी को भी वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो हमारे पड़ोस को मिल रही हैं, जो हमारे सामने को मिल रही हैं, हमारे साइड पर मिल रही हैं, और आखिर हारी कैंप के अंदर ही क्यों? हम बड़ी उम्मीद के साथ और आजिजी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जरूर गौर से देखें, शुक्रिया। यहाँ के भाई बहनें और मेरे तमाम अहदेदार, मैं सबके साथ बहुत खुश हूँ और इस मौके पे मुझे बोलने का भी मौका मिला, यहाँ आने का मौका मिला, लोगों के मसाइल सुनने का मौका मिला, तो दिल में तो जज्बा होता ही हर एक के कि हम निकले ही काम करने के लिए हैं, तो इंशाल्लाह हम आप सबसे वादा करते हैं कि जो भी जहाँ जिस मौके पे हमें मौका मिलेगा हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएंगे। देखें एक बंदा, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, सब ने अपनी अपनी बातें बताई हैं लेकिन मैं बस छोटी सी बात से चलूंगी कि अगर घर में खाना पका हुआ होता है और बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ खाना नहीं देती है। आप सब मुत्तहद हो जाएं, आप सब निकलें, हम आपके साथ होंगे। अगर जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, किसी ऑफिस में जाने की, किसी कहीं पर भी जाने की, आपको प्रेस क्लब पर जाने की, अगर आपकी कोई नहीं सुनता आप प्रेस क्लब पर जाएंगे हम आपके से आगे बैठे होंगे, अगर आप किसी ऑफिसर के पास जाएंगे हम आपके साथ बैठेंगे। रहा ऊपर के लेवल का सवाल, तो देखें ऊपर बड़े बड़े काम होते हैं, हम किसी लीडर को बुराई नहीं दे सकते, उसकी अपनी जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि वो पता नहीं हर तरह से प्रेशर होता है, वो हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन सीढ़ी सीढ़ी कहते ना एक तरतीब होती है आदमी की, एक दूसरे के साथ ताउन करते करते लोग पहुंचते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हम आपके साथ, हम उनका पैगाम आप तक लाए हैं कि हम आपके मसाइल सुने, आपकी परेशानियां सुने, आपके यहाँ लाइट का मसला है आप बोलेंगे कहाँ जाना है, कहाँ से मंजूर होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपदा आपसे प्रॉमिस करती हूँ, हम आपके साथ चलेंगे, जितने भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपके कोई तालीम का मसला है, आपके इलाके में किसी और चीज का मसला है आप हमें कॉल करें, मैं खास तौर पर डॉक्टर से दावा करती हूँ। रहा किसी का, एज ए डॉक्टर मैं ये भी कहूंगी कि मेरे भाई बहने बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, आप मुझे कॉल करें, सिविल अस्पताल में उसमें क्या कहते हैं भिठाई में, कहीं पर भी आपका कोई मसला पड़ता है, ब्लड का पड़ता है, किसी औरत पे एडमिशन का पड़ता है, आप मुझे कॉल करें, मैं आपका आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको वहाँ एडमिशन भी करवाऊंगी, ब्लड का भी करवा के दूंगी, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप सब एक हैं तो काम होगा, एक मुट्ठी जब तक बंधी हुई होती है उसमें ताकत होती है, अगर हम सब में से बैठे हुए हर शख्स कुछ और सोच रहा होगा ना तो कभी हमारे काम नहीं होंगे, हम सब एक हो जाएं, हम सब एक होंगे तो इंशाल्लाह ये हारी जो कैंप है ना, ये भी मुस्लिम पाड़ा है, ये जो भी आप बता रहे हैं मुस्लिम कॉलोनी जो है वो कोई बात नहीं है। अब ये भी मेरी बहन ने कहा था कि यहाँ पर क्रिश्चियन है हिंदू है, मैं सब चीज को नहीं मानती, मजहब तो हमारे पैदा होने के बाद आए, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत और इंसान होना, हम सबको इंसान की खिदमत करनी है और उस खिदमत में अल्लाह ताला हमारा जरूर साथ देगा, अगर आप सब साथ होंगे तो हम भी हम आपकी अब मदद कर सकते हैं, आप हमारी कर सकते हैं, और जब सब हम जमा होंगे तो हमारे लीडर भी खुश होंगे कि भाई इतने लोग निकल कर आ रहे हैं, भाई इनका मसला हल करो, ठीक है। आप लोग सब मुत्तहद रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, हर मौके पे हमें याद कीजिएगा, हम आपको हर मौके पे याद करेंगे, बहुत शुक्रिया मानों और तमाम हमारी माओं बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज ये जो विजिट हुआ है जिस तरह पीपल्स मिनार्टी विंग और पीपल्स आरी कमेटी के साथ हमें भी दावत दी गई कमी सलाके को विजिट करें, तो मिनार्टी राबता काउंसिल का मकसद ही है कि वो अकलियत की आवाज़ को वो पहुंचाए और लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमें यही समझ में आता है कि हमारा आपस में राबता अच्छा नहीं, हमारा उन लोगों से राबता नहीं जो हमारी मदद कर सकते हैं, तो हम इस राबते को मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम अपने मसाइल जो है वो ठीक तरीके से ठीक लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे कि आज की इस मीटिंग के अंदर
मुझे खुशी हो रही है कि आपने ठीक लोगों का इंतखाब किया है और उन तक आपके मसाइल पहुंचे हैं। चूंकि वो खुद एक हारी कमेटी को तर्जमान हैं, उनके जिम्मेदार हैं, तो आपके मसाइल को वो उठा सकते हैं। हम बेशत मराठी राबता कौंसिल आपके साथ हैं, आपके मसाइल को अच्छे तरीके से हाईलाइट करने में, आपको कोऑर्डिनेट करने में मददगार होंगे और किसी तरह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें ये जानकर दुख हो रहा है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में आप बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ये ज़िंदगी नहीं है लेकिन आप इसे गुजार रहे हैं, तो ये ज़िंदगी अच्छी गुजारना, इन सहूलतों के साथ गुजारना, ये आपका हक है और आपका हक मिलना चाहिए और आपके हक के लिए हम सब आपके साथ हैं और रहेंगे। शुक्रिया, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। बरकत नाम में आए हुए मेरे साथ मेहमानों की खिदमत में, बहनों और बुजुर्गों और बुजुर्गों और भाइयों की खिदमत में सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज जहां पे बे इंतहा मुझे खुशी महसूस हो रही है आपके दरमियान दोबारा एक दफ़ा मुझे मौका मिला आने की, वहां पे आज जब मैंने हालते जार कुछ खानदानों की देखी अपने साथियों के समेत, तो दिल रोता है ऐसी सिचुएशन को देख के कि आज के जदीद दौर में भी हमारे लोग जो हैं वो इस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि ना उनके पास घर में टॉयलेट है, ना उनके पास सही तरीके से रहने के लिए छत है, और ना ही उनके पास बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनकी बदौलत वो बाइज्जत तरीके से इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार सकें। मैं आज नहायत मशकूर और ममनून हूँ कामरान गिल साहब का, उनकी सारी रोशन मोहल्ला कमेटी मेंबरान का, जिन्होंने हमें दावत दी कि हम उनके दरमियान यहाँ पर आकर उनके मसाइल सुन सके, उनके साथ उनके दुख में उनके इस मुसीबत के वक्त में हिस्सादार बन सकें। और मैं इसके साथ नहायत दिल से मशकूर भी हूँ जनाब मोहतरमा आपदा कायम खानी साहिबा का, जो पीपल्स हारी कमेटी सिंध की तर्जमान है, और उनके साथ आई हुई दीगर मेहमानों का, और डॉक्टर सईदा का जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स हारी कमेटी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की। आज कुछ कहने को या बोलने को जो सिचुएशन देखी है उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ मैं आपके साथ बोल सकूं, अपने जज्बात का इजहार कर सकूं, लेकिन खुदावंद ताला का मशकूर हूं कि आज खुदावंद खुदा पाक ने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने दीगर साथियों के साथ आप लोगों के साथ यहां पर आ सकूं, आपके साथ दुख दर्द में शरीक हो सकूं। और एक मैं आज आप सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी बुजुर्ग माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, और मेरे आए हुए साथ साथी हैं, मैं आज आपको जो सिचुएशन मैंने आज देखी है उसके जरिए जो एक विजन मेरे वालिद साहब का था और जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक उसको निभाया, तो
एक दिली तौर पे खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है कि हमारे लोग इस कसम पुरसी में गुजारा कर रहे हैं और हमारे जो लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं अय्याशी की जिंदगियां गुजार रहे हैं और हमारी इस कौम की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। मैं एक सियासी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी तंजीम का कारकुन, एक अदना सा जाला होने के नाते आज आपसे वादा करके जाता हूं कि मेरे पास जाती तौर पर जो मेरे वसाइल हैं, वो कि मेरे पास इख्तियारात तो नहीं है पार्टी की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से, लेकिन जो मेरे पास जाती हैसियत से खुदावंद ने मुझे नवाजा है या मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटी से छोटा भी अगर मैं आपसे आपके लिए काम कर सका, अपने लोगों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी का वक्त होगा। लेकिन मुझे दुख तकलीफ इस वजह से होती है कि हमारे लीडरान, बड़े बड़े सियासतदान यहां पर आके हमारे गरीब लोगों के साथ अजीब तरीके से खेलते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करके जाते हैं। जब वोट मिल जाते हैं तो उसके बाद उनकी शक्ल सालों साल हमारे ये गरीब बहन भाई और बुजुर्ग देख नहीं पाते। लेकिन मेरा आज यहां पर इन हस्तियों के साथ आना, जनाब मेरे साथ आए हुए मेरे मिनार्टी राबता कौंसल पाकिस्तान के सदर जनाब अशरफ रजा खान साहब और जनाब अकबर क्लिंटन साहब, मकबूल सादक खोखर साहब और नवीद, और इसके साथ मैं एक दफा फिर शुक्रगुजार होते हुए दोबारा से मैं जिक्र करूंगा कि ये एक ऐसा मेरे लिए वक्त है कि जब मुझे मिसेज आबदा कायम खानी साहबा ने, जो एक बड़ा ओहदा रखती हैं पीपल्स हारी कमेटी में सिंध लेवल पे तर्जमान का, तो मैं आज महसूस कर रहा हूं कि जो तो ये आपके जज्बात और ख्यालात और आपकी जरूरियात का सही तरीके से तर्जमानी ऊपर लेवल तक कर सकेंगी। मैं उनसे दरख्वास्त भी करूंगा और बड़ी मोदबाना तरीके से इल्तमास करूंगा और मेरी इस दरख्वास्त पे वो जरूर गौर करेंगी। और जो हमारे यहां के सरकारी अफसरान हैं या जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक वो आप लोगों के साथ खड़ा होंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जितना वो दर्द रखती हैं इंसानियत के लिए, और डॉक्टर सईदा साहबा भी, उनके साथ आई हुई दूसरी दो मेहमान हैं, वो भी इंसानियत का दर्द रखते हुए आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये प्योरली जैसे मिसेस आबदा कायम साहबा ने फरमाया कि ये हारी कैंप है, तो वहां पर वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स हारी कमेटी है, जो प्योरली हारियों के लिए काम करती है और पिसे हुए गरीब लोगों के साथ खड़े होते हैं। मेरी कामरान गिल साहब से, आप दीगर बैठे हुए मेहमानों से दरख्वास्त है कि आप इसी तरह से अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि जैसे मैडम ने फरमाया था कि बच्चा रोता है
तो उसको कुछ खाने या पीने को दिया जाता है। आप इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो एक्टिवेट हैं उनके साथ राबते में रहेंगे तो आपको कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ कम तो मिल सकता है। तो आपके साथ ये भरपूर तरीके से वादा करके दिल से दिल की गहराइयों से खुदा उनको हाजिर नाजर जानते हुए करते हैं कि जो कुछ भी हम कर सके, मैं अशरफ रजा खान साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, ये भी एक हमदर्द दिल रखते हैं, ये और इनके साथ अकबर साहब हैं, अकबर साहब ये एक बड़ा हमदर्द दिल रखते हैं अपने अंदर अपनी कौम के लिए और इंसानियत के लिए। और जब हम इंसानियत के लिए काम करते हैं तो फिर खुदा को खुश करते हैं। यहां पे जैसे मैडम ने फरमाया कि रिलीजन इज नथिंग, द लार्जेस्ट रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। ये किसी बहुत बड़े मुफक्कर ने कहा था कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। मैं अगर मसीही हूं, मुझ में इंसानियत नहीं तो मेरा बेकार है इंसान होना। एक हमदर्द दिल रखना, अपनी तालीम के मुताबिक लोगों के काम आना, ये मेरा फर्ज भी बनता है और आप लोगों का जो हकदार हैं इस काम के लिए उनका हक भी बनता है। तो खुदावंद से दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें इस बात पर साबित कदम रखे और खुदावंद पाक खुदा हमें तौफीक दे कि हम आप लोगों के या और इलाका जात के लोगों के भी हम जो हमारी हस्ती है जो हमारी तौफीक है हम काम आ सकें। जय जय श्री।